अक्सर जंगल की दुनिया में कई विशाल एवं खतरनाक और खौफनाक जानवर पाए जाते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम भी है कि छोटे या प्यारे दिखने वाले जानवर भी बहुत खतरनाक या खौफनाक हो सकते हैं। युगों युगों से एक दूसरे के कट्टर दुश्मन कहे जाने वाले सांप और नेवला पूरी दुनिया में दुश्मनी के लिए मशहूर हैं, एवं दोनों जानवर हमेशा सिर्फ लड़ते रहते हैं, चाहे जंगल में हो या फिर खुलेआम। क्या आपने कभी सोचा है कि नेवले पर सांप की जहर का असर क्यों नहीं होता? यदि आपके दिमाग में ऐसा सवाल आता है तो उसे दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि नेवले के पास ऐसा कोई रामबाण इलाज नहीं होता जो सांप की जहर से उसकी मौत ना हो। नेवले जहरीले नहीं होते, हाँ काफी हद तक सांप की जहर से खुद को बचाने की क्षमता रखते हैं, जो एक दो बार काटने से नेवला मरता नहीं, लेकिन यदि सांप लगातार नेवले को काटता रहे तो उसकी मौत तय है। बताया जाता है कि सांप और नेवले की खतरनाक लड़ाई में 20% नेवले की मौत सांप की जहर से होती है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसे ही सांप और नेवले की खतरनाक लड़ाइयां लेकर आए हैं जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन शुरू करने से पहले यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब करें और चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, किंग कोबरा वेस्ट मोंगोज। कहा जाता है कि किंग कोबरा की लंबाई 18 फीट तक हो सकती है और इसकी जहर से एक हाथी को भी चित किया जा सकता है, लेकिन किंग कोबरा कहा जाने वाला सांप आज इस नेवले के सामने भीगी बिल्ली की तरह कैसे भी करके जान बचाने की कोशिश कर रहा है। छोटे से नेवले के सामने आज कमजोर दिखाई दे रहा है। चालाक नेवले को पता है कि सांप के लिए कीचड़ या पानी में तेजी से चलना आसान नहीं होता, इसलिए नेवला पूरा फायदा उठा रहा है और यहाँ खड़े रहने वाले लोग दोनों की लड़ाई देख रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि दोनों की लड़ाई के बीच पड़ना जानलेवा साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए कि दोनों में से एक की मौत आज निश्चित है। काफी समय से सांप को परेशान करके नेवले ने सांप को मुंह में दबोचकर अधमरा कर दिया। सांप के लिए आज का दिन सही नहीं था। नेवला उसे बेरहमी से अपने मुंह में पकड़कर उसे अपना भोजन बनाने के लिए ले जा रहा है। नंबर 2, येलो मोंगोज वेस कोबरा। अब इस प्यारे सी छोटी गिलहरी को देखें। अक्सर सर्वाहारी जानवर के नाम से जाना जाता है, जो कीड़े और हरी पत्ती के अलावा कई छोटे जानवरों का मांस भी खा सकता है। शायद यही वजह है कि किंग कोबरा इसे एक छोटा सा जानवर समझकर उससे भिड़ने जा रहा है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि वो एक किंग कोबरा है जो उसकी समझ से परे है, लेकिन फिर भी सांप से भिड़ जाता है और तेज दांतों से सांप की पूंछ पर हमला कर देता है। लेकिन सांप भी बड़े खिलाड़ी हैं, इसलिए तुरंत सतर्क हो जाते हैं। सांप का एक ही वार गिलहरी के लिए जानलेवा साबित हो सकता है, लेकिन सांप उसे कुछ करे इससे पहले ही गिलहरी घास में कूद जाती है, जिससे उसे एहसास हो जाता है कि सांप से पंगा लेना उसके बस की बात नहीं और वो भाग जाती है। तभी वहां से गुजरने वाले नेवले को सांप की भनक लगती है और तेजी से दौड़ता हुआ सांप के सामने आ पहुंचता है। शातिर नेवला सांप के चारों ओर घूमते हुए सांप पर हमला करने का मौका ढूंढने लगता है, लेकिन सांप से रहा नहीं गया, तुरंत नेवले पर हमला कर दिया, जिसे नेवला भी उसे मुंह तोड़ जवाब देने लगा। लेकिन सांप इस बार नेवले पर भारी पड़ने लगा और नेवले पर जहरीले दांतों से हमला कर दिया। नेवला सांप के इस तरह के जहरीले हमले को देखकर अपने होश उड़ा बैठता है और चिल्लाते चिल्लाते वहां से भाग जाता है। नंबर 3, मोंगोज वेस ब्लैक मामा। क्या आपको लगता है कि ये मामूली सांप है? हैरान हो जाओगे इनके कारनामे देखकर। हाँ, इसके एक डंक से करीब 15 इंसानों की मौत हो सकती है, लेकिन नेवले को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए नेवला पहले तो सांप के आसपास घूमने लगता है, उसे परेशान करता है, और जब सांप थक जाता है तब नेवला सही मौका देखकर चौका मारता है, लेकिन सांप भी उसके हाथ नहीं लगना चाहता। लेकिन ऐसा कब तक चलता? आखिरकार नेवला अपने नुकीले दांतों से अचानक तेजी से हमला करके सांप को अधमरा करके अपना निवाला बना लेता है। नंबर 4, मोंगोज वेस कैप कोबरा। अब तक तो बाहर लड़ाई हो रही थी, लेकिन सिर्फ बाहर की लड़ाई काफी नहीं थी, इसलिए घर तक पहुंच गया है। शातिर नेवले को पता चल गया है कि सदियों पुराना दुश्मन कहीं ना कहीं घर में छुप कर बैठा है। काफी समय से नेवला दुश्मन को ढूंढ रहा था, लेकिन तभी सामने एक कोबरा नजर आता है, जिसकी लंबाई 1.2 मीटर से 1.6 मीटर तक की है। इतने बड़े आकार के सांप को देखकर भी नेवले के लिए वो सिर्फ एक शिकार के अलावा कुछ भी नहीं। नेवले के लगातार हमले से बचने के लिए सांप बाहर निकल जाता है, लेकिन नेवले की इज्जत का सवाल है, सांप को इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता है? वो भी पूरी तरह सांप के पीछे हाथ धोकर पड़ गया, इसलिए सांप तेजी से भागते हुए जमीन के अंदर घुस गया। लेकिन नेवला भी कम नहीं था, वो भी उसे शिकार बनाने के लिए अंदर घुस गया। नंबर 5, जॉइंट कोबरा वेस येलो मोंगोज। जॉइंट कोबरा इंसानों की सोच से परे होते हैं, लेकिन नेवले के सामने वो कुछ भी नहीं होते। सांप यहाँ से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन निकल नहीं पाएगा, जबकि मौत उसके सामने खड़ी है।
नेवला कितना भी छोटा क्यों ना हो, बड़े से बड़े सांप भी उससे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करते। यहाँ सांप नेवले को देखकर कोने में छुपने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नेवले ने उसे देखते ही हमला कर दिया। अब सांप के पास मुंह तोड़ जवाब देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए सांप ने नेवले के मुंह पर जोरदार हमला कर दिया और नेवला दूर जाकर गिरा। सांप ने नेवले की इज्जत की धंजियां उड़ा दी। बेवकूफ था जो बड़े से पंगा लेने चला था। दूसरा नेवला तो सांप को दूर से ही देखकर पीछे हट गया, डरपोक, पास तक नहीं आ पाया। तो दोस्तों, ये थी सांप और नेवले की लड़ाइयों की कुछ वीडियोस। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।